नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। लुधियाना रैली में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर, राज्य को बदनाम करने का आरोप। असम और नागालैंड के राज्यपालों को मेघालय और अरुणाचल का अतिरिक्त प्रभार। वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस की एफआईआर दर्ज करने की मांग। स्थानीय निकाय चुनाव के विरोध में नागालैंड में अनिश्चितकालीन बंद। धारा 377 और 294 लागू। इंटरनेट सेवाओं पर रोक। आदिवासी संगठन कर रहे हैं चुनाव टालने की मांग। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी हिमस्खलन की चेतावनी। अब तक 15 जवानों समेत 22 की मौत। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। और सातवें ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल की रोजर फेडरर से भिड़ंत। और शुरुआत करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा के मुताबिक लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कल अखिलेश यादव ने साफ किया कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं। एमएलसी के रूप में अखिलेश यादव का कार्यकाल 2018 तक है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबके लिए प्रचार करने लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। अखिलेश जी ने कहा है चुनाव लड़ने का वो काम नहीं करेंगे। 2018 तक वैसे ही वो एमएलसी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल में विकास के काम किए हैं और जो आगे काम करने हैं उसके बारे में नेताओं को कार्यकर्ताओं को बताया है और ये कहा है कि चुनाव में सब लोग लग जाएं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग की है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश से कल लखनऊ में सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने आला अधिकारियों के अलावा 24 जिलों के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाए जाने की मांग की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश से मुलाकात करके नकवी ने अधिकारियों की सूची सहित एक ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तीसरी सूची आने के बाद से पार्टी में अंदरूनी कलह और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुक्रवार को कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये लोग वाराणसी दक्षिण से 7 बार विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी को टिकट ना देने से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि उम्मीदवारों के नाम नहीं बदले जाएंगे और नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। अगर पहले से फैसला लिख करके रख दिया है और मुझसे पूछा भी नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है, आप क्या करेंगे अभी, और एकाएक जो है लिस्ट आउट हुआ उसमें से मैं गायब रहा, तो मुझे तो जो दुख हुआ, जो आश्चर्य हुआ वो तो हुआ ही। जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जो विरोध है उसको सुनूंगा और सुन करके जो भी बताएंगे उसे सुनूंगा भी। जो भी कार्यकर्ता कोई कहना चाहे, संभावना नहीं है, केवल कोई बात होगी उसको सुनेंगे। जो केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है उसमें बदलाव भी मिल सकता है। पंजाब में मतदान की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जालंधर में रैली की, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजीठा में चुनावी सभा की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को सभी प्रमुख पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली कर विपक्षी दलों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पासे विकास है, एक पासे विनाश है, एक पासे अमन शांति ते भाईचारक साझ है, दूजे पासे गड़बड़ है और डिवाइड एंड रूल दिया पॉलिसियां हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राज्य की बदहाली के लिए अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मजीठा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के 70% युवा नशे की गिरफ्त में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधन पर महज एक परिवार का कब्जा है। पंजाब में नौकरी लेनी है तो बादलों को कट दो, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बादलों की कंपनी को कट दो। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली के साथ साथ पंजाब का भी सीएम बनना चाहता है। सत्ताधारी गठबंधन अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के मुद्दे को एक भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। कैमरामैन दिलीप मेहती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, जालंधर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी करके मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी कैंटीन से लेकर पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। वहीं एनआरआई की संपत्ति की सुरक्षा की भी बात कही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। इसमें दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था और 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा शामिल है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कोई चुनावी जुमला नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चुनाव में वोट लेने का जरिया नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारा करार है। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा जो वादे किए हैं उनमें दिसंबर 2018 तक किसानों को कर्ज मुक्त करना, धार्मिक बेअदगी की जांच, 25 लाख रोजगार के अवसर, 5 रुपए में खाना, अल्पसंख्यकों के लिए घर, मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। जिन्ना तुम कर्जा लिया वा जो उस तो बाद तुम ब्याज दे चुके जे तो वो कर्जा माफ समझा जाऊगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है और अगे तो जेड़ा सड़ा आर्थिक वर्ग है उन्होंने वास्ते भी एक भी वो कितना ब्याज ले सकते हैं। जो बैंक की दर्ज है जी बेसिक रेट बैंक का होंगे वा करीब 9.5-10% वो तो सिर्फ 1% ज्यादा ले सकेंगे। पार्टी ने एनआरआई की संपत्ति सुरक्षित करने के लिए मलकियत में एनआरआई शब्द शामिल करने का वादा किया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री का पद दलित को देने का भी दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये थी चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी राज्य और केंद्र में बीजेपी से गठबंधन जारी रहेगा। वही विपक्षी दल इसे दोहरा रवैया बताते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहे हैं। बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना ने आखिर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया है। दोनों में बीएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर काफी वक्त से खींचतान चल रही थी। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के कदम को लोगों को गुमराह करने की कोशिश बताया। It's just to divert the minds of the people from the corrupt practices which are going on in the Mumbai Municipal Corporation. We can say that this alliance has been broken when at the center and in the state governments the Shiv Sena withdraws its support from the government. Then we can understand the reality. अगर वाकई में उनको ये बयान जो उन्होंने दिए हैं कल के
अब हम भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो उन्हें चाहिए कि केंद्र में और राज्य में भी वो साथ फौरन छोड़ दें, वरना जनता उनसे पूछेगी। विपक्ष के सवाल पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं करना चाहती, इसलिए फिलहाल गठबंधन जारी रहेगा। वो दोनों की मजबूरी है, हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अस्थिर नहीं बनाना चाहते। मुंबई महानगर पालिका चुनाव, महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाएं हैं, जिल्ला परिषद है 26, तो वहां गठबंधन नहीं होगा। इस बीच धार्मिक फोटो हटाने के सर्कुलर के विरोध में शिवसेना नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, साथ ही उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी भी सौंपी। इसमें आयकर की सीमा 5 लाख रुपए की मांग की गई है। मुलाकात के बाद शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि जब भी उद्धव ठाकरे कहेंगे वो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। हमारी बांधिल की जो है वो शिवसेना के साथ में है, भगवे झंडे के साथ में है, भगवे विचार के साथ में है, उद्धव जी के साथ में है। उद्धव जी जब कहेंगे हमारी जेब में तो राजीनामा लेके हम घूमते हैं शिवसेना के सभी मंत्रीगण। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि कोई हमारा साथ दे या न दे, परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की बजट पूर्व बैठक में शिवसेना सांसदों के शामिल नहीं होने की खबर को खारिज किया है। अभी अरविंद सावंत मीटिंग में है, ऐसा किसी ने बहिष्कार के बारे में वो, लेकिन अभी मीटिंग में है वो। मैंने अभी अभी साफ कर दिया है कि कल शिवसेना के नेताओं ने जो कहा है केवल युति के बारे में कहा है, और महाराष्ट्र में आज युति नहीं है, हम भी हमारे दम पे लड़ेंगे और वो भी उनके दम पे लड़ेंगे। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में मंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद सामने आ चुके हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार सार्वजनिक तौर पर नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई में साफ कहा कि पार्टी ने गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए, अब वो महाराष्ट्र में अकेले आगे बढ़ेगी। राज्य में अगले महीने मुंबई समेत 10 नगर निगमों के और 25 जिला परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वी षणमुगनाथम का इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूर कर लिया है। असम के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को मेघालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। इस बारे में राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी करते हुए बताया है कि बनवारीलाल पुरोहित आज नए पद की शपथ लेंगे। इससे पहले राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने वी षणमुगनाथम पर अपने दफ्तर की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और राजभवन की गरिमा बनाए रखने की अपील की थी। इस बीच कांग्रेस ने वी षणमुगनाथम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। नागालैंड के अलग अलग आदिवासी संगठनों ने राज्य में अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है। प्रदेश में 1 फरवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव टालने की मांग ना माने जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। नागालैंड ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बारे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। कमेटी का कहना है कि राज्य सरकार उनके अधिकारों को लेकर भेदभाव की नीति अपना रही है। हालात खराब होने की आशंका के चलते सरकार ने धारा 377 और 294 लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने सभी इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इलेक्शन स्पेशल कमिंग टू यू फ्रॉम गोवा। एवरीबडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन गोवा। ओके, वी हैव बिग लॉबीज लाइक माइनिंग, वी हैव बिग लॉबीज ऑफ टूरिज्म, एंड दे आर कंट्रोलिंग द फुल यू नो द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ गोवा। आम आदमी पार्टी इज नॉट एन आम आदमी पार्टी, बट अ खास आदमी पार्टी। इट हैज बिकम अ मी टू पार्टी। व्हाई गोवन शुड गो आउटसाइड इन सम विलेज एंड बाय अ हाउस बिकॉज़ यू कांट अफोर्ड इन द सेंट्रल एरियाज। वॉच पोलपुरी फ्रॉम गोवास मीरामार बीच ओनली ऑन राज्यसभा टेलीविजन। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग पर YSR कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जलीकट्टू की तरह इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे पहले YSR के अध्यक्ष YS जगमोहन रेड्डी विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर धरने पर बैठ गए। दरअसल रेड्डी को पुलिस ने हवाई अड्डे से बाहर निकालने से रोक दिया था। 2 घंटे के धरने के बाद उन्हें वापस हैदराबाद भेज दिया गया। विपक्ष मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर इस मामले में नरम रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। GST लागू होने से कर अधिकारियों की नौकरियों में कोई कटौती नहीं होगी।
वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़ी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था में टैक्स अधिकारियों और कर्मचारियों के पास काम के पर्याप्त मौके होंगे। उनका यह भी कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, दोनों सुधारों से चोरी रुकेगी और करदाताओं की संख्या बढ़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशाखापट्टनम में सीआईआई के सम्मेलन में नोटबंदी के फायदों पर बात की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और कर वसूली में इजाफा होगा। द साइज ऑफ द मोर फॉर्मल इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, सो आर द ट्रांजैक्शंस इन द बैंकिंग सिस्टम एंड थ्रू द डिजिटल मोड। दिस इज गोइंग टू रिजल्ट कपल्ड विद द जीएसटी इन द डेज टू कम मच लार्जर रेवेन्यूज एज फार एज द स्टेट्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहयोग से जीएसटी के अधिकतर लंबित मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और इसके लागू होने से पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। That itself enables India to become one large market, allow a free flow of goods and services across the country, have only one taxation system in the country, eliminate multiple assessments, eliminate taxes on taxes। सरकार की योजना इस साल 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की है। जीएसटी लागू होने से एक्साइज, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय कर खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें एक सैन्य अधिकारी समेत 15 जवान शामिल हैं। गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के शवों को कल बरामद कर लिया गया। मौसम विभाग ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी हिमस्खलन की चेतावनी दी है। लोगों को घरों में ही रहने और छत पर जमी बर्फ को साफ करने की सलाह दी गई है। आसमान से बरसती सफेद आफत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी आम लोगों के साथ सेना के लिए आफत बन चुकी है। गुरेज सेक्टर में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। यहां सेना के 2 शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गए। खराब मौसम और भारी हिमपात के बीच राहत अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। तमाम इंतजामों के बावजूद एक सैन्य अधिकारी समेत 15 सैनिकों की जाने चली गई, जिसमें 4 और सैनिकों के शव बरामद किए गए। टोटल सो फार वी हैव रिकवर्ड 14 डेड बॉडीज ऑफ आवर मार्टिर्स। प्रेजेंटली द ऑपरेशन हैज बीन कॉल्ड ऑफ, देयर आर नो मोर मिसिंग सोल्जर्स। गुरेज सेक्टर श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 8000 फीट है। इसकी सीमा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लगती है। इसी वजह से यहाँ जवानों को तैनात करना पड़ता है। बर्फ पिघलने लगती है तो वो स्लाइड कर जाते हैं, वो लैंडस्लाइड आ जाते हैं या वो एवलांच उसको बोलिए। आप बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट तो हटा नहीं सकते, वरना फिर कारगिल हो जाएगा। अगर आपको विंटर में हमें वहां नहीं रहना चाहिए तो कारगिल के टाइम पर भी यही हुआ था। जानकारों का कहना है कि हिमस्खलन का खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसी जगहों पर मकान या शिविर बनाए जाते हैं। हालांकि तूफान से पहले यहां चेतावनी जारी की जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिमपात की वजह से सैनिकों की जान गई है। पिछले साल 10 फरवरी को आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान में कमी के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी पारे में तेजी की से कमी के साथ घना कोहरा छा गया है। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि एक रद्द कर दी गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल झांकी कलाकारों से मुलाकात की। ये कलाकार राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। कलाकारों ने उपराष्ट्रपति भवन में अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन का मकसद भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाना था। उपराष्ट्रपति ने कलाकारों से बात करके उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह में सैन्य और अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मेक्सिको से सटी सीमा पर दीवार बनाने को लेकर बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो ने कल फोन पर बातचीत की।
व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत होने की जानकारी दी है। करीब एक घंटे तक हुई इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि एनरिक पेनानीटो से उनकी अच्छी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश मजबूत संबंध बनाने पर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं के अगले हफ्ते मिलने की संभावना थी, लेकिन मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कल अपना प्रस्तावित अमेरिका दौरा रद्द कर दिया था। मेक्सिको की दीवार का खर्च उठाने से इनकार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से आने वाले सामान पर 20% आयात कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। और अब खेल की दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार इवान डोडिक ने शानदार जीत दर्ज की है। सानिया और डोडिक ने सेमीफाइनल में समंथा स्टोसर और सैम ग्रोथ की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने ऑस्ट्रेलिया की समंथा स्टोसर और सैम ग्रोथ को सेमीफाइनल मैच में 6-4, 2-6, 10-5 से हराया। अब सानिया मिर्जा सातवें ग्रैंड स्लैम से बस एक जीत की दूरी पर है। सानिया और डोडिक का फाइनल मुकाबला एबिगेल स्पीयर्स और जुआन सेबेस्टियन कबाल से होगा। वही टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज विलियम्स बहनों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। सेरेना विलियम्स ने सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मिर्जाना लुइसिस बारोनी और वीनस विलियम्स ने हमवतन कोको वेंडेवेगी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दोनों बहनों के बीच ये नौवा ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। और इधर स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बना ली है। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के रोमांचक सेमीफाइनल में बेल्जियम के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। अब 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल का मुकाबला रविवार को फाइनल में 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर से होगा। बात खास शख्सियत की, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज जयंती है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 63 साल की उम्र में लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। भारतीय सिनेमा को नई पहचान देने वाले मशहूर अदाकार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहराब मोदी जी की आज पुण्यतिथि है। सोहराब मोदी ने अपने करियर की शुरुआत पारसी थिएटर से की और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो संवाद अदायगी में पारसी थिएटर का स्टाइल लेकर आए। सोहराब मोदी की शुरुआती फिल्में शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित थी। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित फिल्में जैसे पुकार, सिकंदर और पृथ्वी बल्लभ बनाई। 1953 में उन्होंने भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी बनाई। 1954 में आई उनकी फिल्म मिर्जा गालिब को बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सोहराब मोदी का निधन आज ही के दिन 1984 में हुआ था। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे चमकते हैं, तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम खाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। सुन लिया बलराम, अब क्यों चुप हो? क्यों नहीं जहर में बुझे हुए वही चीज हमारी बेकार जिद पर चलाते, जिसने नलिनी का जीवन बर्बाद किया, जिसने महलों से निकाल कर तुम्हें झोपड़ियों में ला फेंका, जो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के तुम्हें और कुछ नहीं दे सकी। खानदानी आन का वो अनमोल खजाना जिसे एक मजदूर के हाथ में देना हम अपनी जिल्लत समझते थे,
के मजदूर ने आज उसे लूट लिया बलराम। अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हुई, फिर क्यों चुप हो? मधुर संगीत से लोगों के दिलों में राज करने वाले संगीतकार ओपी नैयर की आज पुण्यतिथि है। अपने सुरों के जादू से उन्होंने आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे कई गायकों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। शोक और रोमांटिक गीत उनके संगीत की पहचान है। घोड़े की टाप की आवाज हो या फिर तालियों का इस्तेमाल, चाहे मुखड़े और अंतरे के बीच सितार का सोलो प्रयोग, ये सिर्फ ओपी नैयर के संगीत में मिलेगा। वो तालियां, सीटी और घोड़े की टापों से संगीत निकालते थे। उन्हें फिल्मों में पहला मौका 1949 में फिल्म कनीज में मिला। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 और सीआईडी में उनके संगीत ने धूम मचा दी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया। मेरे सनम फिल्म से उनके संगीत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे में ले लिए मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। तुमसा नहीं देखा फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली और नया दौर उनकी बेहद कामयाब फिल्में थी। इशारों इशारों में दिल जनवरी 2007 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा मेरा प्यार वो। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। लुधियाना रैली में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर राज्य को बदनाम करने का आरोप। असम और नागालैंड के राज्यपालों को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर, कांग्रेस के FIR दर्ज करने की मांग। स्थानीय निकाय चुनाव के विरोध में नागालैंड में अनिश्चितकालीन बंद, धारा 377 और 294 लागू, इंटरनेट सेवाओं पर रोक, आदिवासी संगठन कर रहे हैं चुनाव टालने की मांग। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी हिमस्खलन की चेतावनी, अब तक 15 जवानों समेत 22 की मौत। दिल्ली NCR में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सातवें ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष सिंगल्स के फाइनल्स में राफेल नडाल की रोजर फेडरर से भिड़ंत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।